हेलो गाइस वेलकम टू क्रिएटर साहब आज फिर एक नई एनिमेटेड बटन के साथ हम हाजिर हैं जिसमें हम आपको एक एच रेफ़ की हेल्प से यानी एंकर टाइप की हेल्प से एक बटन बनाना सिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन दिस स्क्रीन इस बटन को कैसे क्रिएट करना है हाउ टू मेक दैट इंट्रैक्टिव बटन इस डिटेर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आखिरी तक देखिएगा कुछ भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसमें एक एंकर टैग की हेल्प से एक बटन क्रिएट करेंगे जिसमें आई एम गोइंग टू मेक इज ऑफ स्पैन ये फोर्स पैन क्या करेंगे आपने जो अभी अभी एक एनिमेशन देखा था उस एनिमेशन को करने के लिए मैं इन स्पैन की हेल्प लेने वाला हूँ बीच में बटन लिखा यू कैन एबल टू सी दैट थिंग बॉडी में सबसे पहले मार्जिन पैडिंग को जीरो कर लीजिए बैकग्राउंड कुछ भी अभी सेलेक्ट कर लीजिए बाद में देखेंगे चेंज कर लेंगे अभी आप रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए फॉन फैमिली जो भी आप चाहें अभी जो कोड मैं लिखने वाला हूँ दैट कोड फॉर ब्रिंगिंग द कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज आप देखेंगे इसमें हमने इसकी पोजिशन को एब्जल्यूट रखा हुआ है और इसे प्लेस किया गया है कहाँ पे टॉप और लेफ्ट से फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ट्रांसलेट बैक करा के सेंटर किया हुआ अब इसमें कलर एंटर कर लेते हैं आफ्टर दैट कुछ पैडिंग पुट करते हैं फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं अब आप इसमें देख रहे हो नीचे एक अंडर आ रहा है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन आपको नन करना है आफ्टर दैट ये बटन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अभी इस पर थोड़ी सी साइडो लगा देते हैं सो दैट ये आपके पीछे वाले बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग लगे तो इसके लिए बॉक्स साइडों का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितनी शानदार साइडो ऐड हो गई है ना अब बात करेंगे किसकी अब इसमें थोड़ा सा लाइक पार्ट दो पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए हम इसके बिफोर में कुछ कोडिंग कर रहे हैं आ, जिसमें पोजीशन एब्जील्यूट करके बैकग्राउंड में चेंज करेंगे राइट तो इसका कुछ पोर्शन है लाइक इसमें समझ में नहीं आ रहा आ, मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ लाइक अभी भी नहीं दिख रहा सो uh, so, uh, देखिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा दिखा था अभी अभी like, uh, भी नहीं समझ में आ रहा लेट्स चेंज द कलर टू ब्लू अब देख सकते हैं लाइक like, uh, अब आप देखिए दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे बटन के ये बड़ा सिंपल सा बटन फॉर्म हुआ है अब इस बटन पे हमें क्या करना है एनिमेशन अप्लाई करना है एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्पेंस ठीक है तो स्पेंस के एनथ चाइल्ड यानी हमारे पास टोटल फोर्थ चाइल्ड है चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड थ्री चाइल्ड फोर सबके लिए कोडिंग करेंगे इनकी पोजिशन अगेन एब्सल्यूट रखनी है आपको लेआउट ग्रिड लग अप्लाई करेंगे और ग्रिड में कलर कोशिश ये करना कि एक कलर तो बैकग्राउंड वाला देना है और एक कलर आप जो भी आप चॉइस हो आपकी मैं भी फिलहाल एक नॉर्मल कलर ले रहा हूँ बाद में इन द एंड ऑफ द वीडियो हम इसको चेंज कर लेंगे आफ्टर अप्लाइंग ए लीनियर ग्रिड ग्रिड हम देख सकते हैं डायरेक्शन आप देखिएगा टॉप ऑफ लेफ्ट जीरो रखा है डायरेक्शन टू द राइट रखी हुई है अब आप देखिए जैसे ही मैंने पीछे वाला कलर चेंज किया अब ये मुझे एक स्ट्रोक की तरह नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रोक है ऐसी तरह के हम बहुत सारे स्ट्रोक्स क्रिएट करेंगे लाइक चाइल्ड वन टू थ्री अकॉर्डिंगली पोजिशन चेंज करेंगे इसमें आपको लाइक like, विर्थ चेंज करनी पड़ेगी तो आपको अगेन एक स्ट्रोक मिल गया कलर चेंज कर देना आपको आफ्टर दैट सिमिलरली हम बाकी चीज़ें भी चेंज करने वाले हैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है मिस्टेक इज़ दैट कि इसे बॉटम की तरफ हम एक्सपेंड करेंगे ना कि राइट right की तरफ तो अब देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्टली एक स्ट्रॉक आ गया है अब आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड वन ये वही स्पैन है बेटा हम लोग स्पैन के चाइल्ड्स का यूज़ कर रहे हैं इसमें कलर्स अभी बाद में हम फिलअप करेंगे वो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आपको रैंडम कलर चूज़ करना हो आप चूज कर सकते हैं लाइक ऐसा कोई बाउंडेशन कंपल्सेशन इसमें कुछ नहीं ठीक है तो ये आप देखिए थोड़ा सा आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा जैसे मैंने इसको ब्लू किया मैं इसको फर्दर और चेंज कर दूंगा लाइक अभी फिलहाल के लिए यही रखते हैं और स्पैन नंबर थर्ड को भी चेंज कर लेते हैं इसमें अब हम नीचे वाला जो आपका स्पैन है उसको उसको प्लेस कर करें अगेन इट इज़ परफेक्टली फिटेड और अच्छा नहीं लग रहा है आई नो लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इसको उसको प्रे, प्रिपेयर करेंगे तो अपने आप वो बन जाएगा आप टेंशन नहीं लेना लाइक चौथे वाला स्पैन भी कर लेते हैं सही से इसको भी लाइक लेफ्ट डायरेक्शन वगैरह आपको सही रखनी है अगर आप डायरेक्शन में कुछ भी मिस्टेक करते हैं या फिर हाइट और विथ को प्रॉपरसली प्लेस नहीं करते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली कुछ गलती करने वाले अब ये स्टॉक्स तो रेडी हो गए हैं इसमें एनिमेशन लगाना एनिमेशन के लिए एनिमेशन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ये एनिमेट वन जो मैंने इसमें दिया हुआ ये एक नाम है आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं और इस पर एक लीनियर इनफाइनाइट टाइम के लिए एनिमेशन सेट कर दिया टू से टू सेकेंड का आप देख सकते हैं ये बड़े ही स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है बट नॉट एग्जैक्टली जैसा हमने वहाँ पे दिखाया था आपको स्टार्टिंग में पहले एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं ईच एंड एवरी स्टॉक के ऊपर या फिर कह सकते हैं ईच एंड एवरी स्पैन के ऊपर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि इसे हाइड कैसे करना है अब आप देख सकते हो See, ये परफेक्टली परफेक्टली मूव कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली जा रहा सिमिलरली आप सारी चीजें प्लेस कर लीजिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ा रहा हूँ नाउ यू कैन सी लाइक दैट कि भाई कितना परफेक्ट एक एनिमेशन क्रिएट हो गया है पर ये आपकी बॉर्डरी से बाहर जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसका ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा ये ओवरफ्लो हिडन कहाँ पे करना है ये आपको अपने एंकर टैग के ओवरफ्लो को हिडन करना है बिकॉज ये बाहर निकल रहा है इट इज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज सिंपली एक कोड और आपका काम फिनस हम जाके एंकर टैक में लिख लेते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन नाउ यू कैन एबल टू सी ये एनिमेशन स्टार्ट कितना बढ़िया लग रहा है और थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो इससे घबराना नहीं है इसमें आप कलर्स चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग जैसा आप एनिमेशन चाहते हैं वैसा इसमें कलर चेंज कर लीजिए तो आफ्टर दैट यू कैन एबल टू सी कितना बढ़िया एनिमेशन हो गया लाइक तो, like यहाँ पर आप कलर चेंज मैं कर रहा हूँ यू कैन सी कौन कौन से कलर चेंज हो रहे हैं ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेना कोड आपको अगेन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा दैट इज़ टेक्नो ग्रू हर्ट टेक्नो ग्रू हर्ट गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी वेबसाइट मिल जाएगी वहाँ से आप पूरा कोड देख सकते हैं पढ़ सकते हैं अगर फास्ट फॉरवर्ड लगा है तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया हुआ है इंटेंसली बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला था एक घंटे का वीडियो बन जाता इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड किया वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बोलेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग